हमीरपुर में बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा ने भाजपा चुनावी घोषणा पत्र की जमकर तारीफ की है। पार्टी कार्यालय में पत्रकार वार्ता में प्रवीण शर्मा ने कहा कि बीजेपी संकल्प पत्र से गरीबर को एक सहारा मिलेगा तो पार्टी ने कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि समय पर रेल हमीरपुर पहुंचेगी तथा इस पर काम हो रहा है। उन्होंने कहा जो हम करते हैं वे करके दिखाते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरह शोशेबाजी नहीं करते। उन्होंने कहा कि प्रदेश कैबिनेट के मंत्री अनिल शर्मा पर क्या कार्यवाही करनी चाहिए यह मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार है। जानते हैं उनको सब कुछ शोषा ही लगता है। कांग्रेस पार्टी ने आज तक शोषे किए हैं, इस करके कोई भी बात को गंभीरता से नहीं लेते। भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है और जो हमने कहा है वो हमारा इतिहास है, हम जो कहते हैं वो करते हैं, इस करके जो हम कहते हैं वो हम करके दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र आने वाले समय में मेन देश के विकास का रोड मैप बनेगा। गरीबी हटाने के लिए किसी भी पार्टी ने ठोस कार्य आज तक नहीं किया, लेकिन मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के लिए योजनाएं चलाई हैं। प्रवीण शर्मा ने कहा कि देश की समृद्धि, आतंकवाद, सुरक्षा व शांति को लेकर भाजपा ने अपना दृष्टिकोण साफ रखा है। उन्होंने कहा कि किसानों व बागवानों के लिए 2022 तक आय को दोगुना करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र नए भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए एक रोड मैप है। कभी किसी ने नहीं सोचा, लेकिन पार्टी ने संकल्प पत्र में किसानों को और असंगठित क्षेत्र के मजदूर उनको जो पेंशन देने की बात कही है, ये अपने आप में एक अनूठी बात है और इससे देश का जो निम्न मध्यम वर्ग है और मध्यम वर्ग है और जो गरीब वर्ग है, किसान और मजदूर, उनको एक बहुत बड़ा सहारा भी मिलेगा और देश के अंदर इस संकल्प पत्र के माध्यम से पार्टी ने एक कार्य संस्कृति डेवलप करने की तरफ कदम बढ़ाया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश भाजपा सह मीडिया प्रभारी नरेंद्र त्रि भी मौजूद रहे।